मात्र 2.5 साल की मैं नतरंग ले आई आज, खुशी का ठिकाना नहीं है। और ईशा तो नहीं जीजी, तू राजनीति में आ जाएगी। कि मैं जगह का नाम भी नहीं बता पा रही कि वो कहाँ कहाँ से आई हैं। वो ये मलाई जम चुकी है, पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखी होगी, तो इसको मैं अभी ब्लो के इसका निकाल लूंगी मक्खन। तो जी आज की वीडियो बड़ी मस्त बड़ी खास होने वाली है, बड़ी बड़ी हस्तियों से मुलाकात होने वाली है, तो वीडियो को पूरी देख लेना। आज मैं इसीलिए फटाफट से उठकर अपना काम निपटाने लगी हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। तो जी चलिए एक और नया व्लॉग शुरू कर लेते हैं। और चश्मे लगा लिए, बिना चश्मे के कुछ नहीं दिखता, सब कुछ धुंधला धुंधला है। सिनोय आ गया, भागा भागा, ये देखो। और ना गया आज इसने बुनियान बुनियान पहन लिया, कहीं नहीं करिए बात, चलो सारों के ऊपर बाल गिर जाएंगे, नहीं तो बाल गिर जाएंगे। चलो जी आज कहीं जाने की तैयारी है। और मेरा सूट कैसा लगा? वैसे तो पुराना है, कई बार देख भी चुके हो आप लोग, लेकिन आज कई दिन में पहना है तो नया नया लग रहा होगा। बताना कैसा लगा, किन दिन आना पीछे से। अरे गर्मी में ज़्यादा तैयार होने का मन तो करता नहीं है ना कुछ पहनने को। सूट हल्का सा है और ये दुपट्टा भी मैंने कॉटन का लिया है, वैसे तो इसके ऊपर दूसरा दुपट्टा है और एक ये मोती की माला पहन ली है। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है ना, ये बहुत दिनों बाद पहनी है। बस ये तुलसी की माला पहन के रखती हूँ, और ये सानू पहनेगा, ये तो दादी की है। देखो सब कह रहे हैं दादी की है, सब कह रहे हैं ये तो दादी की है, सानू की दूसरी है, वो देखती हूँ निकल के। दूसरी है ये कोची है, ये तो दादी की है। इसमें क्या लगा हुआ है आप बताओ। तो जी चलो आज चलते हैं सुलेखा जी के प्रोग्राम में, मिलते हैं, देखते हैं कौन कौन मिलेगा वहाँ, काफी यूट्यूबर्स आए होंगे। रिक्शा में बैठ लिए हैं जी, राम राम जी। और ये भी हैं दोनों आज मेरे साथ, और रिक्शा में तो काफी दिनों बाद बैठे हैं तीनों एक साथ, है ना। बापू के तीन बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, और वचन सुन लो पहले इसके। यहाँ से जाएंगे रिक्शा में और आगे से पकड़ेंगे फिर दूसरी सवारी, फिर ये कहेगी सवारी नहीं पकड़ेंगे, गाड़ी पकड़ेंगे। और क्या देखा जी, हमारे हमारे हरियाणा में ये बोलते हैं जब कहीं जाना हो, कोई चला जाए जाके बताए कि मैं पहुँच गया, तो पीछे वाले ये पूछते हैं क्या सवारी मिली, तो ये नहीं पूछता कौन सी गाड़ी मिली। चलो फिर चलते हैं, यहीं पर इतनी लंबी हो जाएगी तो आगे क्या बनाएंगे। वैसे ना ये गार्डन है जी और प्रोग्राम अंदर कर रखा है, गर्मी की कोई बात नहीं, एसी लगे हुए हैं और अंदर ही झूल गली हुई है। फिलहाल बहादुरगढ़ के अंदर है, सुलेखा बहन ने इतना तगड़ा प्रोग्राम करके दिखा दिया बहादुरगढ़ में। मात्र 2.5 साल की मैं नतरंग ले आई आज, इतनी भीड़ होगी कि बाण खुशी में
कति नु पागल होगी बाण बेहोश होगी थी कति। सबसे पहले मेरा राम राम है सर आपकी पूरी टीम को और सागर खेड़का स्टूडियो की तरफ से मैं सभी दर्शकों को जय बाबा की जय माता की जय बाबा की बहुत खुशी हो रही है। आप भाई आए, मेरे भाई ने इतना समय दिया, मैं सबसे पहले इनका धन्यवाद करती हूँ। और जितनी मेरी मातृशक्ति आई है उनका तो कहना ही क्या है जी। मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है और मैं कुछ शब्द नहीं बोल पा रही, आज मेरी हिम्मत भी नहीं है। तीजर रक्षाबंधन और सारे त्योहार दाज बना दिए दो तीन दिन पहले बाने। मैं बड़ी खुश नसीब हूँ कि सगा तेन कहा करते हरनंदी हरनंदी मैं बा हरनंदी हूँ कलयुग की, जिसके न्यूना बेरा कितने भाई तय तैयार हो गए हैं और कितने और तैयार होने लग रहे हैं। और रही बात बाबिया गिरबाना की तो मौज है, वो आप देख सकते हो इस चैनल के माध्यम से देखना। बाकी मैं क्या कहूँ आप लोगों का, जितना शुक्रिया करूँ उतना कम होगा। बस एक संदेशा देना चाहूँगी, इस प्यार को इतनी ताकत दो, ऐसे ही बनाए रखो। और अगली तीज पे मेरा वादा है कोशिश करूंगी 5 लाख की संख्या में मैं बहनों को इकट्ठा कर दूंगी। आए बाण तरह तरह की बात करें हैं हमने, कई के पूछी कि भाई किसा माहौल है, के लागे सुलेखा देख के ईशा तो नहीं जी जी तू राजनीति में आ जाएगी। भाई देखो राजनीति कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो भी समाज सेवा है बस। लेकिन मेरा ये है मैं भगवान के भजनों के माध्यम से उठी हूँ, जहाँ तक मेरे बालाजी महाराज लेके जाएंगे, जिस भी फील्ड में वो लेके जाएंगे मैं, मुझे उनका हुक्म सर आँखों पर रहेगा, मैं उनकी बात नहीं टाल सकती। जी इतनी पब्लिक तो एक नेता तो भी इकट्ठी मुश्किल हो है, उनने मेहनत करनी पड़े, प्रचार करना पड़े है, तने बिना ही प्रचार 2.5 साल में अपना चैनल बना के अपने भजन मंडली बना के और बाणा के दिल जीत लिए। और इतनी तीज मैंने आज तीज भी देखने मिली, आड़े झूले डल रहे हैं इसमें जो वाटिका है, तो वहाँ किसा महसूस हुआ था ना जी देख के। आज इतना प्यार है ना कि मैं जगह का नाम भी नहीं बता पा रही कि वो कहाँ कहाँ से आई हैं, वो किन किन कठिनाइयों का सामना करते हुए मेरे तक पहुँची हैं, मैं कितना आभार प्रकट करूँ। और रही बात तीज की, अगर भगवान ने चाहा और ऐसे ही हमें भगवान ने सांसें दी तो तीज हर साल की तीज ऐसे ही धूमधाम से मनाएंगे और अपने बहादुरगढ़ के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन करेंगे, ये सारी बहनों का भी कहना है और मेरा तो है ही कहना। भाई बहुत सारी जो ब्लॉक बना रही हैं वे भी जुड़ रही हैं सुलेखा थे, हमने देखे नरे मोबाइल फ़ोन चल रहे थे जगह जगह, लोगों के इंटरव्यू चल रहे थे और इतनी खुशी थी महिलाओं को लेकर, बहुत ज़्यादा खुशी थी। न्यू बोली हम तो रिचार्ज होगी, घर जाकर काम कराएंगे अपना। हाँ। रिचार्ज कर दी बाणता ना जी ये सारी की सारी। भाई रिचार्ज तो वो मेरे प्यार में उसी दिन से हो गए थे जिस दिन पहली बार उन्होंने मैं यूट्यूब पे देखी थी जी। लेकिन इन्होंने जो प्यार दिया है ना, मैं इसीलिए खड़ी होगी, ये प्यार नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो हर बहन को मेरा ये संदेशा है कि बहन इस प्यार को बनाए रखना, कोई गलती हो तो माफ़ करना। और रही बात ये, मेरी जिस भी बहन को पूरे ऑल ओवर अपने इंडिया में जहाँ भी अपनी बहन की ज़रूरत होगी वहाँ आपकी बहन हाजिर होगी। आप भी त्यौहार मनाओ और हमें ऐसे ही बुलाओ, हम भी आपको ऐसे ही बुलाते रहेंगे। धन्यवाद धन्यवाद भाई, वीडियो ज़्यादा शेयर कर दो। बाँटना तो तीज दो तीन दिन पहले ही मना दी, आज खुशी बांट ली, क्यों उस दिन सब अपने त्यौहार पर घर बच्चा ने कुछ व्यंजन बनावे हैं जी, टाइम कम मिल रहा है तो आज पूरी कर दी। तो भाई वीडियो ज़्यादा शेयर कर दो। वंदे मातरम, भारत माता की जय, सभी को नमस्ते, हैप्पी तीज, हैप्पी रक्षाबंधन।
पूरी देखने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। अगली वीडियो में इसका आगे का पार्ट देखने को मिलेगा।